हम सबके पास हमारे भविष्य को लेकर एक विचारधारा होती है और वर्तमान में हम उसी विचारधारा के आधार पर अलग अलग चीजों का चुनाव करते हैं और समय को व्यतीत करते हैं। ये बात फर्स्ट थिंक फर्स्ट किताब के लेखक रोजर मैरिल ने कही है। वो लिखते हैं कि अगर हम अगले हफ्ते तक या अगले साल तक ही सोच सकते हैं तो हमारे निर्णय और हमारे गोल्स इसी प्रकार के होते हैं, मगर हम अगले 10 साल या अगले 20 साल तक सोच सकते हैं तो हमारे निर्णय और गोल्स भी इसी प्रकार कार्यरत रहते हैं। सोच आगे की राह नहीं ले आती है, भूलो कल को, कल में जिंदगी सारी है। वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्राइट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।